Morning student, this is our patho class in which today we will study about the examination of urine which come under the topic of clinical pathology. हमने clinical pathology start करी थी जिसमें हमने CSF examination पढ़ लिया, उसके बाद हमने bone marrow examination पढ़ लिया, आज हम urine analysis पढ़ लेते हैं. तो और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है. देखो CSF पर भी आता है शॉर्ट नोट, बोन मैरो पर भी आपके शॉर्ट नोट पूछा जाता है, यूरिन के ऊपर भी आता है. तो यूरिन एग्जामिनेशन हम आज पढ़ रहे हैं. देखिए सबसे पहले यूरिन एग्जामिनेशन हम पढ़ें तो इसके बारे में सुनिए कि एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज़ अ बेसिक एंड एन इनवैल्यूएबल प्रोसीजर एंड शुड बी केयरफुली परफॉर्म टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड बेस्ट टेस्ट रिजल्ट. हमारे को बहुत ध्यान से इस एग्जामिनेशन को करना होता है. और हम ये एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? द एनालिसिस ऑफ यूरिन सर्व्स टू पर्पसेस, क्योंकि इसके दो पर्पस हैं. पहला पर्पस तो ये है कि हमें अगर हमारी बॉडी में या किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, किडनी फंक्शन को आपको देखना है, या फिर किडनी फंक्शन नॉर्मल है पर मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं वो एबनॉर्मल अमाउंट में एक्सक्रीट होंगे किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड, जो हमें देखना है यूरिन के अंदर. तो पहला पर्पस है कि किसी पर्सन किडनी एकदम सही पड़ी है पर मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस उसके अंदर आ गया है. और दूसरा पर्पस है कि हमारे को वो इंट्रेंसिक कंडीशन डिटेक्ट करनी है जो किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर अपना असर दिखा रही है. अब डिजीज़ किडनी हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि डिजीज़ किडनी जो है वो फंक्शन नॉर्मली करती नहीं है, जिससे कि जो बॉडी फ्लूइड है उसका वॉल्यूम और कंपोजिशन रेगुलेट नहीं हो पाएगा और होम्योस्टासिस मेंटेन नहीं रह पाएगा. तो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, और ये किडनी डिजीज़ जो है अगर किसी को है तो फिर उसमें यूरिन में क्या आपको मिलेगा, ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट की सेल्स, कास्ट वगैरह आपको दिखाई देंगे. तो इसलिए हम जो है यूरिन का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं. अब यूरिन बनता कैसे है? तो नॉर्मल एडल्ट में लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब कार्डिक आउटपुट का लगभग 25% 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो निकल रहा होता है वो किडनी के थ्रू फ्लो होएगा. ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, उसके हर नेफ्रॉन के अंदर जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस कैपिलरी के अंदर गया. कैपिलरी वॉल से जो है वो हाईली परमिएबल होती है वॉल वाटर के लिए और लो मॉलिकुलर वेट कंपोनेंट्स के लिए, तो वहाँ पर ये फिल्टर होगा. और जो अनफिल्टर्ड चीज़ें हैं वो तो ट्यूब्यूल्स में पास हो जाएंगी और उनका वापस से रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, जैसे सिंपल शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर का. इसके अलावा क्रिएटिनिन का सीक्रीशन, पोटेशियम, यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयंस का सीक्रीशन जो है वो यूरिन अलॉन्ग विद कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के साथ में इनका सीक्रीशन हो रहा होता है. तो ये सारा प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर चलेगा और इस तरह से यूरिन जो है वो बनता है. इसके अलावा यूरिन का अमाउंट जो है वो वेरी करता है इंडिविजुअल की हाइड्रेशन स्टेट पर, कि वो कितना ज़्यादा पानी पी रहा है या कितना कम पानी पी रहा है. अब यूरिन के बारे में हम पढ़ें तो पहले हमारे को यूरिन की नॉर्मल कंपोजिशन पता होनी चाहिए. द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन इज़ वाटर विच अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ द यूरिन. द रिमेनिंग 5% इज़ कंपोज्ड ऑफ 2% यूरिया एंड द बैलेंस 3% इज़ डिवाइडेड बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो देखिए सबसे पहले वॉल्यूम कितना होता है, 600 से 2000 ml का वॉल्यूम होता है. अब ये 600 से 2000 क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है ना अमाउंट. स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 से लेकर 1.030 तक. ऑस्मोलैलिटी 300 से 900 की ऑस्मोलैलिटी पाई जा रही होती है. पीएच 4.6 से 8 वेरी कर रही है. क्यों कर रही है? कि भाई आपने कैसा फूड लिया है उसके अकॉर्डिंग एसिडिक, एल्कली या न्यूट्रल पीएच हो सकती है. ग्लूकोज 0.5 ग्राम से भी कम होनी चाहिए और प्रोटीन 150 mg से भी कम होना चाहिए. अगर इसका अमाउंट इनसे ज़्यादा हो रहा है तो वो ग्लूकोज या ग्लाइकोसो यूरिया और प्रोटीन यूरिया कंडीशन कहलाएगी. यूरोबिलिनोजन 0.5 से 4 ग्राम होता है. प्रोफोबिलिनोजन जो है वो 0.2 mg होता है. क्रिएटिनिन जो है उसकी वैल्यू 14 से 26 mg
पर केजी देखने को मिल रहा होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 11 से 20 एमजी पर केजी क्रिएटिनिन होता है। यूरिया की नाइट्रोजन जो है वो 12 से 20 ग्राम होगी, यूरिक एसिड 250 से 750 एमजी, सोडियम 40 से 200 मिली इक्विलिब्रियम, पोटेशियम 25 से 125, क्लोराइड 110 से 250, कैल्शियम अगर आप लो कैल्शियम डाइट ले रहे हो तो 50 से 150 एमजी, फॉर्मिमिनो ग्लूटामिक एसिड 3 एमजी से भी कम, और बाकी जो रिमेनिंग सेल्स है वो 1 से 2 पर हाई पावर फील्ड दिखाई दे रही होती है, 1-2 सेल से ज़्यादा कभी भी सेल्स यूरिन में नहीं दिखती हैं। अब हमें यूरिन एनालिसिस कब करना होता है तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे अगर किसी में सस्पेक्टेड रिनल डिजीज़ है, आपको लग रहा है कोई ऐसा कि शायद इस पेशेंट को रिनल डिजीज़ होगी, अब कौन सी डिजीज़, चाहे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, पाइलोनेफ्राइटिस हो, रीनल फेलियर हो, तो हम यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, या आपको यूटीआई को डायग्नोस करना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ यूरिनरी ट्रैक्ट में, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़ वगैरह को चेक करना है, जॉन्डिस का डायग्नोसिस करना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि जॉन्डिस कई तरह का होता है, 3 तरह का जॉन्डिस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, जिसको पोस्ट हिपैटिक अपन ऑब्स्ट्रक्टिव भी कहते हैं, प्री हिपैटिक अपन हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है तो यूरिन एनालिसिस किया जाता है, या फिर प्लाज्मा सेल का डिस्क्रेसियस अपने को देखना है कि भाई प्लाज्मा सेल्स उसमें आ रही हैं क्या, या प्रेगनेंसी को डायग्नोस, प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन में ही किया जाता है, तो इन सब के लिए अपन यूरिन एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब जब यूरिन एनालिसिस अपन को करना है तो सैंपल लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो कलेक्शन ऑफ यूरिन, इसमें अब यहाँ पर टाइम के साथ में दिखाया गया है, अपन को सिंगल स्पेसिमन लेना है तो आप फर्स्ट मॉर्निंग वॉइडिंग सैंपल ले सकते हो, सबसे पहले उठ करके जो यूरिनेशन किया जाता है वो सैंपल आप ले लीजिए, ये सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, इसकी पीएच एसिडिक होती है और इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट अच्छे से प्रिजर्व रहते हैं, कहाँ सेल्स वगैरह आपको क्लियरली दिख जाएगी। इसके अलावा अपन क्यों एग्जामिन कर रहे हैं, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए भी आप ले सकते हो, भाई फर्स्ट मॉर्निंग तो हमें लेना होता है, अच्छी चीज़ है, अदरवाइज आप रूटीन एग्जामिनेशन कर रहे हो तो ठीक है कोई भी सैंपल ले लीजिए, फास्टिंग ग्लूकोज के लिए, प्रोटीन, नाइट्रेट, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस सेलुलर एलिमेंट्स का अगर आपको करना है, ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया हो बोन्स की वजह से अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा हो तो उसको देखने के लिए भी अपन ये सैंपल ले सकते हैं, और बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भी अपन जो है वो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लेते हैं, तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल को अपन 1/3 से इंडिकेट करते हैं, तो ये सारी वो कंडीशंस है जिनमें फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है, रूटीन के लिए, फास्टिंग ग्लूकोज के लिए, प्रोटीन के लिए, नाइट्रेट के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया के लिए, और अगर आपको बैक्टीरियाज देखने हैं कि यूटीआई तो नहीं हुआ किसी को तो फिर अपन फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल ले सकते हैं। इसके अलावा अपन रैंडम स्पेसिमेन ले सकते हैं तो किसी भी समय पर ले लीजिए, ये भी अपन रूटीन एग्जाम के लिए ले रहे होते हैं, तो बिकॉज दिस टाइप ऑफ सैंपल इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इज गुड फॉर केमिकल स्क्रीनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। पर प्रोटीन और शुगर का जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है फ्लूड इनटेक की वजह से, वो वेरी कर जाता है, क्योंकि ये टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन है तो आएगा नहीं, तो इसलिए अपन रैंडम स्पेसिमेन में प्रोटीन शुगर कम करते हैं, बाकी चीज़ें अपन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है पोस्ट प्रैंडियल कंडीशन, मींस कलेक्शन ऑफ यूरिन 2 आवर्स आफ्टर लंच और डिनर इज हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसो यूरिया। तो अगर अपन को 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद सैंपल लेना है, वो पोस्टप्रैंडियल स्पेसिमेन कहलाता है। इंसुलिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए डायबिटीज मेलाइटस के केस में इंसुलिन थेरेपी मॉनिटर करने के लिए ऐसा अपन सैंपल या स्पेसिमेन लेते हैं। इसके अलावा यूरोबिलिनोजन को भी अगर आपको टेस्ट करना है तो आप पोस्टप्रैंडियल स्पेसिमेन लेंगे। क्या होता है ये, खाना खाने के 2 घंटे बाद का जो यूरिन होता है उसको अपन पोस्टप्रैंडियल स्पेसिमेन कहते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ कलेक्शन 3/3 यानी 24 आवर का स्पेसिमेन अगर आपको लेना है। द यूरिन इज कलेक्टेड इन अ कंटेनर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड यूजुअली 12/24 आवर्स। जैसे अब इसमें 24 आवर स्पेसिमेन अलग होता है, 12 आवर स्पेसिमेन अलग होता है, 2 आवर स्पेसिमेन अलग होता है। 24 आवर स्पेसिमेन दिस इज यूज फॉर ट्रू क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन शुगर इलेक्ट्रोलाइट्स हॉर्मोन्स एंड कंसनट्रेशन ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई।
The early morning urine is discarded and all the urine during the next 24 hours including the early morning urine the next day is collected. इसमें क्या है, फर्स्ट यूरिन डिस्कार्ड कर दिया अपन ने मॉर्निंग में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है. इसके बाद क्लीन 2 लीटर्स की बॉटल जिसपे कैप लगी हुई है वो आपको काम में लेना है और पूरे होल डे और नाइट का यूरिन आपको उसमें कलेक्ट करना है. नेक्स्ट डे फर्स्ट यूरिन अब आप ले सकते हैं. पहले वाला जिस दिन आपने स्टार्ट किया उसमें फर्स्ट यूरिन नहीं लेना, पर अगले दिन का क्योंकि आपने होल डे और नाइट यूरिन कलेक्ट किया फिर अगले डे मॉर्निंग का भी आप यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं. इसको आप 4 से 6 डिग्री पर प्रिजर्व भी कर सकते हैं अगर आप उस समय यूज़ नहीं कर रहे हैं. कलेक्शन बाद इमीडिएटली आपको इस यूरिन सैंपल को लैब में भेजना है, इसको थोरोली मिक्स करना है. इस सैंपल का एक पार्ट जो है आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए प्रोटीन और हार्मोन्स को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करने के लिए काम में लेंगे कि क्वांटिटी देखनी है प्रोटीन की और हार्मोन्स की, तो आप ये सैंपल ले सकते हैं. अब आपको कलेक्शन करना कैसे है, तो इसके कई तरह के मेथड होते हैं. मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ले सकते हो, क्लीन कैच स्पेसिमेन, कैथेटर स्पेसिमेन या बच्चों के अंदर अपन अलग तरीके से लेते हैं. अब मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन क्या होता है, तो देखिए इसमें जितने भी तरह के एग्जामिनेशन होते हैं वो मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन से कर सकते हैं. कलेक्टेड आफ्टर अवॉइडिंग इनिशियल हाफ ऑफ यूरिन, शुरुआत का आधा यूरिन आपको कलेक्ट नहीं करना है और उसके बाद का यूरिन आप कलेक्ट करिए. वो मिड स्ट्रीम बीच में से लिया, शुरुआत का यूरिन नहीं लिया और बीच में से आपने यूरिन को कलेक्ट किया, तो वो जब यूरिन फ्लो रहा है तो बीच में से आप उसको कलेक्ट करेंगे. दूसरा क्लीन कैच स्पेसिमेन के अंदर आपको बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर के लिए अपन ऐसा सैंपल लेते हैं. यूरेथ्रल ओपनिंग को आपको पहले सोप और वाटर से क्लीन करना है, उसके बाद इनिशियल आपका यूरिन वही आपको डिस्कार्ड करना है और फिर आप रिमेनिंग लेंगे क्योंकि इसमें आपने पहले यूरेथ्रा को क्लीन किया, इसलिए इसको क्लीन कैच स्पेसिमेन कहते हैं. कैथेटर स्पेसिमेन भी बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर के लिए लेते हैं. इसमें बेड रिडन पेशेंट या किसी को यूरिन ट्रैक का पेशेंट जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसके लिए अपन ये कैथेटर स्पेसिमेन लेते हैं. और बच्चों के लिए एस्पायरेशन डन अबाउ द सिम्फासिस प्यूबिस, सिम्फासिस प्यूबिस से ऊपर एस्पायरेशन करवा करके अपन सैंपल ले रहे होते हैं. अब आप यूरिन जो कलेक्ट किया है अगर आपने उसको तुरंत लैब में नहीं भेजा, तुरंत एग्ज़ाम में नहीं करवाया, लंबे समय तक उसको रखा तो रूम टेम्परेचर पर तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं. जैसे पीएच बढ़ जाती है क्योंकि अमोनिया प्रोड्यूस होने लग जाता है यूरिन के अंदर. क्रिस्टल कैल्शियम और फॉस्फेटा प्रेसिपिटेशन वहाँ पर हो जाता है, फॉस्फेट का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्रिस्टल कैल्शियम या क्रिस्टल्स बन जाएंगे कैल्शियम और फॉस्फेट के, आप ये कह सकते हैं. कीटोन बॉडी वहाँ से वोलेटाइल होती है कीटोन बॉडी, इसलिए उसमें से गायब हो जाएगी सैंपल में से, तो कीटोन बॉडी को आप एग्जामिन नहीं कर पाओगे. ग्लूकोज कम हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया और सेल्स की वजह से ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है. बिलीरुबिन ऑक्सीडाइज होकर के बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा. यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. बैक्टीरिया का प्रोलीफरेशन हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा और सेलुलर एलिमेंट्स जो हैं वो टूट जाते हैं. तो ये इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे. तो चेंजेस आने के बाद आप करोगे तो आपको तो चेंज यूरिन मिलेगा, उसके रिजल्ट जो आएगा उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो चेंज हुई भी आएगी, तो ऐसा फिर वो कोई काम की नहीं है चीज़ें, तो आपको लंबे समय तक रखना नहीं है. और अगर आपको रखना है तो आपको प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करना पड़ेगा, यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करना पड़ेगा या फिर प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करो. तो हमने कहा या तो सैंपल को आप 2 घंटे के अंदर अंदर काम में ले लो या फिर आप 4 से 6 डिग्री पर मैक्सिमम 8 घंटे के लिए रख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना. रूटीन एनालिसिस में आप प्रिजर्वेटिव्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स डालने से भी चेंजेस आ जाते हैं, तो अपन रूटीन एनालिसिस में प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते. पर हाँ, अगर अपने 24 घंटे ज़्यादा सैंपल रखना पड़ रहा है तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करना ज़रूरी है. प्रिजर्वेटिव्स में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हो, अगर एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, वेनिलिल, मैंडेलिक एसिड और स्टीरॉइड्स आपको देखने हैं तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम में ले सकते हो. इसके अलावा आप टॉलुइन काम में ले सकते हो अगर आपको केमिकल्स को मेज़र करना है. बोरिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स, जनरल प्रिजर्वेटिव है बोरिक एसिड, तो थाइमोल बैक्टीरिया और फंगाई को रोकता है. फॉर्मेलिन फॉर्म्ड एलिमेंट्स के लिए अपन फॉर्मेलिन डाल रहे होते हैं. इन सब के अलावा अपन फॉर्मेलिन जैसे तो फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में दे सकते हो, थाइमोल दे सकते हो, टॉलुइन थाइमोल टॉलविन तो मैंने बता दिया आपको. क्लोरोफॉर्म भी अपन ले सकते हैं, सेडिमेंट साइटोलॉजी के लिए काम में ले सकते हैं. कंसनट्रेटेड HCl तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया. इसके अलावा सोडियम फ्लोराइड भी आप एज अ प्रिजर्वेटिव काम में ले सकते हो.
पर अगर आपको यूरिन को कल्चर करना है तो आपको किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं डालना चाहिए, वरना बैक्टीरिया कल्चर नहीं होगा। अब एग्जामिनेशन अगर आपको करना है यूरिन का, तो अपन तीन तरह के जनरली एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तीन तरह के एग्जामिनेशन, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो है हमें टेस्ट करने होते हैं, वॉल्यूम देखना है यूरिन का, उसकी अपीयरेंस देखनी है, ऑर्डर देखना है, पीएच देखनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी होती है। ये पांच चीज़ें जो है अपन फिजिकल टेस्ट के अंदर करते हैं। प्रोटीन वगैरह तो खैर केमिकल में आएंगे, तो फिज़िकल टेस्ट में अपने को वॉल्यूम, पीएच वगैरह देखनी होती है। अब ये फिज़िकल एग्जामिनेशन थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखिए, सबसे पहले हमने जब हमें उसका कलर देखना होता है, क्योंकि हमने बताया ना भाई वॉल्यूम देखना है, कलर देखना है, तो अगर हमारे को कलर देखना है तो कैसे देखेंगे अपन कि नॉर्मली, हमारे को पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नॉर्मल इन चीज़ों की कंडीशंस क्या होती हैं, वो हमारे को देखनी है। नॉर्मल कंडीशंस में हमारे को क्या देखना होता है कि देखिए, सबसे पहले हमें एक तो सभी चीज़ों का हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स भी, केमिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि कितना इनका वॉल्यूम है, कितना इन क्या कलर कैसा दिख रहा होता है, कलर क्या दिख रहा होता है भाई, ट्रांसपेरेंट होता है यूरिन जो है वो ट्रांसपेरेंट होएगा, उसके अंदर नॉर्मली कोई भी चीज़ नहीं पाई जा रही होती है, तो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब अगर आपको वाइट या क्लाउडी यूरिन दिखाई दे रहा है, एल्कलाइन यूरिन ऐसा दिख रहा होता है, जो कि डिसअपियर ऑन एडिशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड, क्योंकि वो एल्कलाइन यूरिन की वजह से वाइट या क्लाउडी दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाल दीजिए तो वो उसका वाइट क्लाउडी कलर डिसअपियर हो जाएगा। ये क्यों हो जाता है, एमॉर्फस फॉस्फेट की वजह से भी ऐसा हो जाता है। पिंकी या क्लाउडी एसिड यूरिन दिखाई दे रहा है तो ये गर्म करने पर डिसॉल्व हो जाएगा, ये एमॉर्फस यूरेट्स को दिखा रहा होता है। वेरिंग ग्रेड की अगर आपको टर्बिडिटी दिखाई दे रही है तो आप उसको माइक्रोस्कोप में देखिए, क्योंकि हो सकता है पसल उसमें मौजूद हो। यूनिफॉर्मली क्लाउडी अगर आपको यूरिन दिखाई दे रहा है, डू नॉट सेटल एट द बॉटम फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि अगर वो यूनिफॉर्मली क्लाउडी है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर भी अगर वो बॉटम में सेटल नहीं हो रहा है, तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो और उसका नाइट्रेट टेस्ट करके देखो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हो। तो ये ऐसा वो दिखाई देगा, उसकी अपीयरेंस एक्चुअली ऐसी दिख सकती है यूरिन की। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में दूसरी चीज़ हमारे को जो देखनी है वो देखना है उसका वॉल्यूम। नॉर्मली 24 घंटे के यूरिन का वॉल्यूम जो है 600 से 2000 ml एडल्ट के अंदर होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। या आप सीधा कह दीजिए कि 1.2 से 2 लीटर पर डे वॉल्यूम जो है वो बन रहा होता है, और नाइट के समय जो है वो 400 ml से भी कम यूरिन बन रहा होता है। अब अगर कंडीशन 2000 ml से ज़्यादा हो गई तो पॉलीयूरिया, 400 ml तक है तो ऑलिगो यूरिया, और 100 ml से भी कम कंडीशन है तो उसको एन यूरिया कहते हैं। ये सारी एबनॉर्मल वॉल्यूम की कंडीशंस है। पॉलीयूरिया में कितना हो रहा है, 2000 ml पर डे से भी ज़्यादा यूरिन बन रहा है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस में, इंसिपिडस में, क्रॉनिक रेनल फेलियर, डायूरेटिक थेरेपी वगैरह के अंदर बन रहा होता है, या कुछ ड्रग्स जैसे जो है डायूरेटिक थेरेपी में, उनमें कैफीन, एल्कोहल वगैरह जो ले रहे होते हैं, डायूरेटिक्स जो ले रहे होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में ADH की वजह से यूरिन जो है वो ज़्यादा बन रहा होता है। दूसरी कंडीशन है 400 ml पर डे से कम यूरिन अगर पास हो रहा है तो उसको ऑलिगो यूरिया कहेंगे। ये क्यों हो जाता है ऑलिगो यूरिया, पहला सबसे पहला तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो ऑलिगो यूरिया हो सकता है, या फिर हॉट वेदर है तो हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो जाए किसी को, वॉमिटिंग, डायरिया, फेब्राइल स्टेट की वजह से, तो आपको साथ इसमें फेब्राइल स्टेट बताई हुई है, डिहाइड्रेशन, फेब्राइल स्टेट वगैरह हो जाती है। या फिर किसी को एक्यूट या क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हुआ है, कंजेसिव कार्डियक फेलियर हुआ है, या यूरिनरी फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से या प्रोस्टेट एनलार्ज की वजह से मेल के अंदर देखा जाता है। तीसरी कंडीशन है एन यूरिया, जब 100 ml पर डे से भी कम यूरिन बनता है तो उसको एन यूरिया कहते हैं। ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से
हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी पर्सन में किडनी ही एब्सेंट हो या मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया हो, तब भी ऐसा देखा जाता है कि एन्यूरिया की कंडीशन क्रिएट हो जाए। अपन आगे पढ़ें उससे पहले एक और कंडीशन आप सुन लीजिए, दैट इज़ नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया में क्या होता है, नॉक्टर्नल एक्सक्रीशन बढ़ जाता है यूरिन का। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात के समय पर अगर 500 ml से ज़्यादा यूरिन बन रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.018 होती है तो उसको अपन नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। हो सकता है ये भी पानी जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनमें ऐसा बन रहा हो, या फिर हो सकता है रिनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम हो गई हो, हाई सोडियम एक्सक्रीशन हो रहा हो, सॉल्यूट डायूरेसिस की वजह से हो सकता है, रिड्यूस्ड ब्लैडर कैपेसिटी की वजह से हो सकता है, इरिटेबल ब्लैडर में हो सकता है, या पार्शल ब्लैडर का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो तब भी हो सकता है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, जिसमें चार कंडीशन अपन ने पढ़ी, पॉलीयूरिया, ऑलिगोयूरिया, एनयूरिया और नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कलर देखना है। सबसे पहले अपीयरेंस देखी थी, फिर हमने वॉल्यूम देखा, अब हम कलर देख रहे हैं। तो नॉर्मल यूरिन जो है वो कलर लेस होता है या फिर एम्बर कलर का हो सकता है अगर उसमें यूरोबिलिन, यूरोइराथ्रिन, यूरोक्रोम प्रेजेंट है। ये डिपेंड कर रहा होता है यूरिन की क्वांटिटी के ऊपर। एबनॉर्मल कलर एंडोजिनस पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए, मायोग्लोबिन, बाइल पिगमेंट्स, प्रोफायरिन ज़्यादा हो जाए, एक्सोजिनस सबस्टांस की वजह से यूरिन का कलर ऑल्टर हो सकता है। अब कलरलेस यूरिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन की कंडीशन को भी दर्शाता है, जैसे डायबिटीज़, मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस में ऐसे हो सकता है, पॉलीयूरिया में ऐसा हो सकता है। दूसरा कलर कौन सा है भाई, रेड या स्मोकी कलर आपको दिखाई दे रहा है तो वो हीमेट्यूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, प्रोफायरिया। हीमेट्यूरिया में आरबीसी यूरिन में आती है, हीमोग्लोबिन यूरिया में हीमोग्लोबिन यूरिन में प्रेजेंट होता है, प्रोफायरिया और मायोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। प्रोफायरिन में बीट रूट की वजह से हो सकता है, एनिलिन डाई या मेंस्ट्रुअल कंटामिनेशन की वजह से भी रेड स्मोकी यूरिन हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डार्क ब्राउन से ब्लैक यूरिन आपको दिखाई दे रहा है तो वो एलकैप्टोन्यूरिया और मिलेनोमा को दर्शाता है। इसके अलावा मिथेमोग्लोबिन की वजह से, होमोजेनेस्टिक एसिड की वजह से, जो होमोजेनेस्टिक एसिड तो एलकैप्टोन्यूरिया में ही होता है, या मिलेनिन जो हमने कहा मिलेनोमा है वो मिलेनिन भी प्रेजेंट हो तो ब्राउन से ब्लैक यूरिन कलर दिखाई दे सकता है। खाली ब्राउन दिखाई दे रहा है तो हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। येलो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन है, जैसे यूरोबिलिन, बाइल पिगमेंट्स अगर एक्सेस में निकलने लग जाए, या कैरेट जो लोग खाते ज़्यादा है उनमें भी येलो ऑरेंज कलर दिख सकता है। येलो ग्रीन या केवल ग्रीन बिलीवर्डन को दर्शा रहा होता है, बिलीवर्डन की प्रेजेंस को। डीप येलो विद येलो फॉर्म, गहरा पीला रंग और पीले रंग के झाग, ये बिलीरुबिन को दर्शाते हैं। ऑरेंज या ऑरेंज ब्राउन कलर यूरोबिलिनोजन और पॉर्फोबिलिनोजन को दर्शा रहे होते हैं। मिल्की वाइट काइल यूरिया को दर्शाता है कंडीशन, अगर मिल्की दिखाई दे रहा है तो काइल यूरिया। काइल का मतलब होता है, काइल यूरिया किसको कहते हैं भाई, काइल यूरिया मतलब फैट मौजूद है यूरिन के अंदर, या पाई यूरिया, पी वाई, पाई यूरिया यानी पस मौजूद है, या लिपिड यूरिया, लिपिड्स मौजूद हैं। तो ये मेनली काइल यूरिया की कंडीशन या पाई यूरिया या लिपिड यूरिया को दर्शाता है। रेड से ऑरेंज फ्लोरेसेंस यूवी लाइट के अंदर दिखाई दे रही है तो पोर्फायरिया को ये दर्शाती है। खत्म आपका कलर का फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ऑर्डर देख लेते हैं भाई। नॉर्मली फ्रेश यूरिन हैज़ एन एरोमेटिक ऑर्डर विच इज़ ड्यू टू वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड की वजह से नॉर्मल कैसी ऑर्डर दिखती है, एरोमेटिक, अजीब सी यूरिन के अंदर से ऑर्डर आती है उसको अपन एरोमेटिक ऑर्डर कहते हैं। ऑन स्टैंडिंग देर इज़ अ डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया फॉर्मिंग अमोनिया विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग अमोनिकल स्टैंड। और अगर आप लंबे समय तक छोड़ देंगे यूरिन को तो यूरिया उसे डिकम्पोजिट हो जाता है और अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो उसमें से अमोनिकल स्मेल आ रही होती है, बहुत ख़राब वाली स्मेल। फ्रेशली वॉडेड यूरिन में कभी भी अमोनिया की स्मेल नहीं आती। अब यूरिया अमोनिया में टूट रहा हो अगर तो ये सस्पेक्टेड इन्फेक्शन को दर्शाता है, क्योंकि कुछ स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटीज वगैरह अगर मौजूद होते हैं तो वो स्पेसिफिक टाइप की ऑर्डर को शो कर रहे होते हैं। अब जैसे अगर यूरिन में फ्रूटी ऑर्डर आ रही है तो वो कीटो एसिडोसिस और स्टारवेशन को इंडिकेट करती है। मस्टी ऑर्डर आ रही है, मस्टी कह लीजिए या माउसी कह लीजिए, तो वो फिनाइल कीटोन्यूरिया को दर्शाती है। फिशी ऑर्डर या रॉटिंग फिश, सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल आ रही है तो वो यूटीआई,
प्रोटीयस बैक्टीरिया की वजह से यूटीआई हो गया होगा, या टायरोसिनीमिया हो गया होगा, ट्राइमिथाइलन यूरिया हो गया होगा उसको दर्शाता है। अमोनिकल स्मेल ईकोलाई की वजह से यूटीआई हो जाता है। फॉवल स्मेल भी यूटीआई को दर्शाता है। सल्फ्यूरस स्मेल सिस्टिन यूरिया को दर्शाता है। रैंसिड स्मेल आ रही है तो टायरोसिनीमिया को दर्शा रहा होता है। तो ये एबनॉर्मल ऑर्डर की कंडीशंस मैंने आपको बता दी। इसके बाद अपने को पीएच एग्जामिन करनी है, पीएच रिएक्शन देखनी है। नॉर्मल पीएच जो रेंज होती है वो किडनी की 4.6 से 8 होती है। पीएच क्यों चेक करते हैं? बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू मेंटेन नॉर्मल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में नॉर्मल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बनाने का काम किडनी की एबिलिटी को दर्शा रहा होता है। तो किडनी अगर कैपेबल है तो उसमें से पीएच जो है वो 4.5 या उससे स्लाइटली हायर तो 8 तक हो सकती है। पीएच बिलो 7 है तो वो एसिडिक यूरिन और अबव 7 है तो वो एल्कलाइन यूरिन को दर्शाएगी। कैसे चेक कर सकते हैं अपन? लिटमस पेपर से पीएच इंडिकेटर पेपर आता है। पीएच मीटर जो आपको डायग्राम के अंदर दर्शाया गया है वो पीएच मीटर है। और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट भी अपन इसके लिए लगा सकते हैं। इस पीएच मीटर में देखिए आपको जो ग्लास वाली रॉड जैसी दिखाई दे रही होती है, इसको अपन उस सैंपल के अंदर डिप करके इस मशीन को ऑन करके देखते हैं तो एग्जैक्ट रीडिंग इसके ऊपर आ जाएगी कि कितनी पीएच है उस सैंपल की। अब अगर सैंपल की पीएच एसिडिक है तो वो किसको दर्शाएगी? कीटोसिस को दर्शाएगी, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में हो जाता है, स्टारवेशन में, फीवर में हो जाता है, या ई कोलाई की वजह से यूटीआई हो गया हो, या हाई प्रोटीन डाइट किसी ने लिया हो। वेजिटेरियन डाइट में भी एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस होता है। नाइट के समय में मल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से भी एसिडिक यूरिन हो जाता है, या जिन्होंने प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाया हो, जो हमने बोल ही दिया, तो उससे क्या हो जाता है, एक्चुअली एसिड फॉस्फेट बढ़ जाता है, सल्फेट का एक्सक्रीशन होता है, जिससे कि पीएच जो है वो कम हो जाती है। दूसरा, एल्कलाइन यूरिन किसकी वजह से? स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट को दर्शाता है ये भी। प्रोटियस या स्यूडोमोनास की वजह से यूटीआई हो गया हो इन दो बैक्टीरिया से। सीवियर वॉमिटिंग के केस में, क्रॉनिक रीनल फेलियर के केस में, या मिल्क या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स जो लोग खा रहे होते हैं उसके बाद भी एल्कलाइन पीएच हो जाती है। रूम पर अगर आप रूम टेम्परेचर पर लंबे समय तक छोड़ दो तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ उस यूरिन में से गायब हो जाएगी और अमोनिया बनने लगता है यूरिया से, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसको तोड़ देते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है। कुछ दवाइयाँ जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम सिट्रेट और एसिटाजोलामाइड की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये एल्कलाइन यूरिन को की कंडीशन को दर्शा रही होती हैं। अब इसके बाद अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स इन द यूरिन। एक्चुअली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंडिकेट्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स कंपोनेंट्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। इट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिफिक ग्रेविटी से अपन को क्या पता चलता है कि यूरिन कितना डाइल्यूट है या कितना कंसंट्रेटेड है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की? 1.003 से लेकर 1.030 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अपन इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? यूरिनोमीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से और रिएजेंट स्ट्रिप मेथड से अपन इसको देख सकते हैं। आपको डायग्राम के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है। अब अपन इसको पढ़ें, इसकी रेंज को पढ़ें, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने का मेथड है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि हमने इसमें सबसे पहले नाम लिखा है यूरिनोमीटर का। यूरिनोमीटर से अपन जनरली डिटरमाइन कर रहे होते हैं। यूरिनोमीटर क्या होता है? एक वेटेड बल्ब शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऊपर सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, नीचे गोल और ऊपर लंबा स्टेम लगा हुआ होता है। उस स्टैम पर स्केल होता है जिसको आप कैलिब्रेटेड किया हुआ होता है 1.000 से लेकर 1.060 तक, और उनके अंदर जो सब डिविजन्स होते हैं वो 0.001 से लेकर 0.002 तक उसमें डिवीज़न होते हैं। ये देखो, ये आपको यहाँ पर रीडिंग दिखाई गई है, ये स्केल दिखाया गया है। इस स्केल को आप देख सकते हो, जो मैंने बोला ना अभी आपको बोल करके बताया, इतनी इसके अंदर ये रीडिंग दर्शाई गई होती है स्टेम और
वो यूरिनोमीटर जो दिखाया गया, ये देखिए ये स्टेम और यूरिनोमीटर है, ये वाला बल्ब शेप का इंस्ट्रूमेंट है, वेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसके ऊपर स्टेम लगा होता है और उसके ऊपर ये रीडिंग लगी हुई होती है। इसका प्रोसीजर क्या है? एक्चुअली आप यूरिन ले लीजिए, इस पोर्ड इनटू अ सिलेंडर एंड कॉनिकल ग्लास, किसी सिलेंडर या कॉनिकल ग्लास में आप ले लीजिए, लगभग पूरा भर लीजिए उस वेसल को। अगर उसमें कोई बबल है तो आप उसको पहले फ़िल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर से उन बबल्स को रिमूव कर लीजिए। अब इंस्ट्रूमेंट को यूरिन के अंदर छोड़ दीजिए फ्लोट होने के लिए, और आप ये ध्यान रखना है कि वो जो आपका यूरिनोमीटर है वो उस सिलेंडर में या उस कॉनिकल ग्लास में कहीं भी साइड पर नहीं चिपकना चाहिए, वो बीच में रहना चाहिए। फिर आप उसकी डेप्थ को नोट करिए कि वो यूरिन में कितना सिंक हो चुका है। उसकी डेप्थ को आप नोट करेंगे तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंडिकेट करेगा, विच इज़ रेड ऑन यूरिनोमीटर स्केल एट द जंक्शन ऑफ द यूरिन विद द एयर। तो जो जंक्शन है यूरिन और एयर के बीच में, वहाँ पर आप रीडिंग को नोट करिए, आई लेवल पे आप रीडिंग को देख सकते हैं। अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा आ रही है तो डायबिटीज़ मेलाइटस को इंडिकेट करेगी, क्योंकि उसमें ग्लाइकोसो यूरिया हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को इंडिकेट करती है प्रोटीन यूरिया की वजह से। फीवर के केस में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, और डिहाइड्रेशन में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आ रही है तो हो सकता है पर्सन को डायबिटीज़ इंसिपिडस है या क्रॉनिक रीनल फेलियर है, इसको ये दर्शाएगी। तो यहाँ पर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन यूरिन का ख़त्म हो जाता है, जिसमें अपन ने वॉल्यूम, अपीयरेंस, ऑर्डर, पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़े हैं। अब इसके बाद हमारे को केमिकल एग्जामिनेशन यूरिन का करना है। केमिकल एग्जामिनेशन में अपन को प्रोटीन, शुगर, कीटोन, बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट्स और ब्लड, ये पांच चीज़ें देखनी है। प्रोटीन, शुगर, कीटोन्स, बाइल एंड बाइल सॉल्ट्स एंड ब्लड अपने को एग्जामिन करना है। सबसे पहले अपन प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन अगर यूरिन में दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन को अपन प्रोटीन यूरिया कहते हैं। नॉर्मली 150 mg पर डे जो प्रोटीन है वो मौजूद रह सकता है, या 300 मिलीग्राम पर 100 ml रह सकता है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट है प्रोटीन का, जो किसी एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जा रहा होता है। अधिकतर प्रोटीन तो ट्यूबुल्स में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, बट बहुत कम अमाउंट में 30 से 50 मिलीग्राम पर 24 आवर्स तक जो है वो मौजूद रह रहा होता है, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। पर अगर प्रोटीन का अमाउंट या एक्सक्रीशन जो है इंक्रीज हो रहा है प्रोटीन का, जैसे 2.5 mg पर डीएल, तो क्वांटिटी नॉर्मल यूरिन के अपन बोल ही रहे होते हैं, अगर दिखाई दे रही है पर डीएल, 2.5 mg पर डीएल है तब तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ज़्यादा अमाउंट निकल रहा है तो उसको अपन प्रोटीन यूरिया कह रहे होते हैं, जो कि मेनली रीनल डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है। अब ये प्रोटीन यूरिया जो है, अब प्रोटीन यूरिया में बेंस जोन्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं या नॉर्मल प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये क्या चीज़ है अपन ने देखेंगे। देखिए, अगर नॉर्मल 4 ग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोटीन निकल रहा है तो उसको मार्क्ड प्रोटीन यूरिया कहते हैं। 0.5 से 4 ग्राम निकल रहा है तो मॉडरेट प्रोटीन यूरिया कहलाएगा, और 0.5 ग्राम पर डे से भी कम प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है तो वो मिनिमल प्रोटीन यूरिया कहलाता है। तो ये प्रोटीन यूरिया की भी तीन कंडीशन है, मार्क्ड, मॉडरेट और मिनिमल। अब सबसे पहले ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया क्यों हो रहा होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल की परमियबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो प्रोटीन निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दो तरह का होता है। सेलेक्टिव में केवल एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन के बैंड जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, अगर आप उस यूरिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। और नॉन सेलेक्टिव में केवल पैटर्न सेम एज सीरम, जैसे सीरम में पैटर्न होता है वैसा ही आपको यूरिन में दिखाई देगा। इसके अलावा ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया हो सकता है, जिसमें प्रोटीन यूरिया रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन की वजह से हो रहा होता है, जैसे एक्यूट और क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो गई हो, किडनी में टीबी हो गई हो, तब ऐसा हो जाता है। इसके अलावा ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया, जिसमें प्रोटीन यूरिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन, इसी को अपन बेंस जोन्स प्रोटीन कहते हैं, जो नाम मैंने पहले भी लिया था, यहाँ पर अब यह आ रहा है कि अगर छोटे छोटे जो है वो लो मॉलिकुलर वेट के प्रोटीन्स अगर एबनॉर्मली दिखाई दे रहे हैं यूरिन के अंदर, तो बेंस जोन्स प्रोटीन प्लाज्मा सेल डिस
क्रेसियस के रूप में दिखाई दे रहे होते हैं। अगर हीमोग्लोबिन दिख रहा है तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस को इंडिकेट करेगा। मायोग्लोबिन स्केलेटल मसल के ट्रॉमा को इंडिकेट करता है। लाइसोजाइम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये सारे प्रोटीन के केस हैं। इसके अलावा हीमोडायनामिक प्रोटीन यूरिया हो सकता है। जब ब्लड फ्लो अल्टर हो जाता है तो प्रोटीन फिल्टर ज़्यादा होने लग जाएगा, जैसे हाई फीवर में होता है, हाइपरटेंशन में होता है, कंजेसिव कार्डियक फेलियर में होता है, हैवी एक्सरसाइज में होता है। पोस्टनल प्रोटीन यूरिया इन्फ्लामेशन या नियोप्लाज्म को दर्शाएगा। किस किस का इन्फ्लामेशन या नियोप्लेसिया हो सकता है? रीनल पैल्विस का, यूरेटर का, ब्लैडर का, प्रोस्टेट का या यूरिथ्रा का इन्फ्लामेशन या नियोप्लेसिया, नियोप्लेसिया मतलब कैंसर हो जाए, तब भी पोस्टनल प्रोटीन यूरिया आपको दिखाई देगा। अब टेस्ट अपन बाद में करेंगे, एक बार पहले मैं वो वाले पॉइंट्स वापस बोल दूँ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोले थे कि भाई मार्क प्रोटीन यूरिया जब 4 ग्राम पर डे से ज़्यादा यूरिया निकल रहा हो, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, सीवियर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ कंजेसिव कार्डियक फेलियर में होता है। मॉडरेट प्रोटीन यूरिया में 0.5 से लेकर 4 ग्राम तक प्रोटीन निकलेगा। मेजॉरिटी रीनल डिजीज में, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, मल्टीपल माइलोमा में, रीनल स्टोन में और लोअर यूटीआई या यूरिनरी डिजीज हो गई हो तब ऐसा होता है। मिनिमल प्रोटीन यूरिया यानी 0.5 ग्राम पर डे से भी कम प्रोटीन निकल रहा है, जैसे क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की हीलिंग फेज चलती है, तब भी ऐसा देखा जा सकता है। ये प्रोटीन यूरिया एक्सीडेंटल भी हो सकता है और फंक्शनल भी हो सकता है, जिसमें से क्या क्या निकल सकते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियो प्रोटीन्स और बेंस जॉन्स प्रोटीन्स जो अभी अभी आए थे। अब टेस्ट कौन कौन से हैं तो देखिए, हम सबसे पहले हीट या एसिटिक एसिड टेस्ट कर रहे हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है अगर हम उसको बॉईल करते हैं, तो यूरिन में अगर प्रोटीन मौजूद होगा तो बॉईल होने पर वो कोगुलेट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है हीट टेस्ट का। इसमें अपने को 2/3 टेस्ट ट्यूब को यूरिन से भरना है। अपर पोर्शन को आप टेस्ट ट्यूब के अपर पोर्शन को आप बॉईल करिए, तो अगर आपको क्लाउडीनेस दिखाई दे रही है तो वो कोगुलेशन को इंडिकेट करता है। अब ये क्लाउडीनेस जो आपको दिखाई दे रही होती है कि हमने सैंपल लेकर के बॉईल किया, तो वो क्लाउडीनेस जो है हो सकता है फॉस्फेट की वजह से हो, कार्बोनेट की वजह से हो या प्रोटीन की वजह से हो, तीन चीज़ों की वजह से हो सकती है। तो आप उसमें फ्यू ड्रॉप्स 10% एसिटिक एसिड की मिला लीजिए, तो फॉस्फोरस कार्बोनेट्स वगैरह जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो आपको अब भी अगर वो क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटीन की वजह से वो क्लाउड्स हैं और नहीं तो वो फॉस्फेट कार्बोनेट की वजह से क्लाउड्स थे, ठीक है। तो अपन ने इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि ये अपन ने लिया, क्लाउडीनेस दिखाई दे रहा है। अब आप इसको टिल्ट करके गर्म करिए, अभी भी अगर आपको क्लाउडीनेस दिखाई दे रही है, क्लाउड अपीयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोटीन मौजूद है सैंपल में। दूसरा टेस्ट है रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है? इंडिकेटर स्ट्रिप कोटेड की होती है ब्रोमोफिनॉल ब्लू इंडिकेटर से, बफर्ड किया जाता है इसको 3.0 पर सिट्रेट के साथ में, 3.3 पीएच के ऊपर सिट्रेट के साथ में बफर करिए आप, तो प्रोटीन जो है वो डाई को आयनाइज कर देता है। ये सेमी क्वांटिटेटिव मेथड है। इसमें अपन को मेनली रिएक्टिव टू एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस को ही दर्शा रहा होता है। फॉल्स नेगेटिव आ जाता है अगर बेंस जॉन्स प्रोटीन उसमें मौजूद हो। मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के कंडीशन में रिजल्ट जो है फॉल्स नेगेटिव होंगे। और ग्रॉस हिमेट्यूरिया है, हाई अल्कलाइन यूरिन है और कंटेमिनेटेड यूरिन है, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। अब सल्फोसैलिसिलिक एसिड का टेस्ट भी आप प्रोटीन के लिए कर सकते हैं। सल्फोसैलिसिलिक एसिड जो मेथड है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक एसिड मिलाने पर प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे सल्फोसैलिसिलिक एसिड अगर आप यूरिन में डालेंगे तो प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसके लिए आप 2 ml क्लियर यूरिन लीजिए टेस्ट ट्यूब में। न्यूट्रल है या अल्कलाइन है ये आप देखिए। एक ड्रॉप ग्लेशियल एसिटिक एसिड की डालिए अगर वो अल्कलाइन है तो। अब 2-3 ड्रॉप्स आप 3-5% सल्फोसैलिसिलिक एसिड की डालिए और उसमें टर्बिडिटी चेक करिए। डार्क बैकग्राउंड के अंदर आपको टर्बिडिटी दिखाई देगी। ये देखो पीछे डार्क बैकग्राउंड है, हमने सैंपल डाला और टर्बिडिटी देखा। टर्बिडिटी मतलब मटमैला सैंपल दिख रहा है या नहीं दिख रहा।
तो आप मिक्स कर लीजिए इसको थोरोली और 10 मिनट का छोड़ दीजिए, और फिर उसकी टर्बिडिटी अपन को इसमें नोट करनी है। ये बहुत सेंसिटिव और रिलायबल मेथड है बॉइलिंग के कंपैरिजन में। ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर किसी को ग्रॉस हिमेट्यूरिया हुआ है, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन है, रेडियोग्राफिक डाई आपने मिलाई है, एक्सेस में यूरिक एसिड अगर आपने मिलाई है, टॉल ब्यूटामाइड डाल में है अगर मौजूद, सल्फोनामाइड मौजूद है, सैलिसाइलेट और पेनिसिलिन अगर मौजूद है तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और बहुत डाइल्यूट यूरिन है तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इसमें अपन एल्ब्यूमिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, बेंस जॉन्स प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये तो ख़त्म हो गया, एक चीज़ बता दूँ, जो बेंस जॉन्स प्रोटीन को अगर आपको स्पेशली चेक करना है तो आप एस्टिक एसिड टेस्ट कर सकते हो, टॉलविन सल्फोनिक एसिड टेस्ट कर सकते हो, प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करके देख सकते हो, तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से आगे भाग रहे होते हैं, इस तरह से आप इसको चेक कर रहे होते हो। अब नेक्स्ट प्रोटीन तो हो गया कंप्लीट, तो अब अपन नेक्स्ट ग्लूकोज चेक कर लें। तो ग्लूकोज जो है टेस्ट में अगर आपको डिटेक्ट करनी है तो ग्लूकोज शुगर है जो कॉमनली यूरिन में पाई जा रही होती है, अगर भाई शुगर जो पाई जा रही होती है वो ग्लूकोज होती है, इसके अलावा लैक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और पेंटोज शुगर भी यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। डिटेक्टेबल अमाउंट में अगर ग्लूकोज यूरिन में मौजूद है तो उसको अपन ग्लूकोसो या ग्लाइकोसो यूरिया कहते हैं। ये कब होती है, जब ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज एक्सेस में एक्सीड्स द रीअब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ रीनल ट्यूबुल, रीनल ट्यूबुल जितनी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है उससे ज़्यादा अगर अमाउंट बढ़ जाए तब फिर दिखाई देने लग जाती है ये यूरिन के अंदर। अब इसका, इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके कई सारे टेस्ट अपने पास मौजूद है, जैसे बेनेडिक टेस्ट, फैलिंग टेस्ट वगैरह, ये सब आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े हुए हैं। पहला अपन पढ़ रहे हैं बेनेडिक टेस्ट। इसमें क्या है कि जब अपन यूरिन को बॉईल करेंगे बेनेडिक सॉल्यूशन में तो ब्लू एल्कलाइन कॉपर सल्फेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा रेड ब्राउन क्यूपरस सल्फेट, क्यूपरस ऑक्साइड के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट अगर मौजूद है तो। इसका मेथड क्या है, 5 ml बेनेडिक रिएजेंट आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए, 8 ड्रॉप यूरिन लीजिए और मिक्सचर को बॉईल करिए। अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, ब्लू कलर ही दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्लू ही था जो हमने डाला था इंडिकेटर, तो ब्लू ही कलर दिख रहा है तब तो शुगर मौजूद नहीं है। ग्रीन दिखाई दे रहा है तो 0.5 ग्राम शुगर है, ब्राउन दिख रहा है 1 ग्राम है, येलो से ऑरेंज दिख रहा है तो 1.5 ग्राम है, और रेड प्रेसिपिटेट दिख रहा है तो 2 ग्राम से ज़्यादा शुगर उसमें मौजूद है। बेनेडिक टेस्ट डिटेक्ट्स ऑल रिड्यूसिंग सबस्टांसेस लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। सेंसिटिविटी इज 200 mg ऑफ ग्लूकोज पर dl, इतनी ये ग्लूकोज चेक कर सकता है। ये देखो, ये चारों कलर आपको दिखाए गए हैं कि कौन कौन सी कितने कितने अमाउंट में शुगर मौजूद हो रही है, लाल, ऑरेंज, हरा और ब्लू सॉल्यूशन दिखाया गया है। ब्लू का मतलब नील शुगर मौजूद है, इसको थोड़ा बड़ा करके आप ये देख सकते हो कि किस किस तरह के कलर किस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए रिएजेंट स्ट्रिप मेथड भी आप काम में ले सकते हो। यह ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक मेथड है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज रिएक्शन पर बेस्ड है ये मेथड। ये ज़्यादा सेंसिटिव है, 100 mg ग्लूकोज पर dl भी अगर मौजूद है तो ये डिटेक्ट कर लेगा। अब क्यों ग्लूकोज मौजूद होती है, ग्लूकोज मौजूद है तो उसको अपन ग्लाइकोसो यूरिया कह रहे हैं। ग्लाइकोसो यूरिया हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को भी इंडिकेट कर सकता है और बिना हाइपरग्लाइसेमिक के भी हो सकता है। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब होता है ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा मौजूद है तो यूरिन में दिखेगी, या हो सकता है ब्लड में मौजूद नहीं है फिर भी वो यूरिन में दिख रही है। अगर ब्लड में भी मौजूद है और यूरिन में भी मौजूद है तो वो डायबिटीज़ को दर्शाती है, एक्रोमिगैली को दर्शाती है, कुशिंग डिजीज़ किसी को हुई हो, इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉयड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और कुछ ड्रग जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह ड्रग जो लोग ले रहे होते हैं उनके अंदर भी ग्लाइकोसोयूरिया हो सकता है। और बिना हाइपरग्लाइसीमिया के ग्लाइकोसोयूरिया हो रहा है तो वो रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन को दर्शाता है, रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन को दर्शाएगा। तो आज हम इतना पढ़ लें, काफ़ी है। रिमेनिंग जो कीटोन वगैरह है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वगैरह जो हैं वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे।